राजस्थान भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने एक बार फिर से गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। रामलाल शर्मा ने इस बार प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर सरकार को घेरा है। बता दें कि देर रात भरतपुर सांसद निधिया कोहली पर हुए हमले को लेकर भाजपा में आक्रोश है। रामलाल शर्मा ने कहा कि अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भरतपुर की सांसद रंजीता कोहली पर फायरिंग करना, धमकी भरा पत्र लिखकर भयभीत करना, यदि राजस्थान की सरकार अभी भी गंभीर नहीं हुई तो आने वाले समय में एक विकराल स्थिति देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि सांसद पर हुए हमले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी कुशलक्षेम फोन करके जानी है। इस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए लिखा है, भरतपुर सांसद रंजीता कोहली से फोन पर बात कर कुशलक्षेम जानी है। साथ ही डीजीपी प्रमुख सचिव गृह विभाग को निर्देशित किया है कि घटना की पूरी जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। घटना की जांच के लिए जयपुर से एसओजी की टीम भरतपुर जाकर घटना की जांच करेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आई है कि राजस्थान के अंदर कानून का राज नहीं, राजस्थान के अंदर जंगल का राज है। और जो स्लोगन पुलिस का है कि आम जन के अंदर विश्वास रहे और अपराधियों के अंदर डर रहे, लेकिन आम आदमी डरा हुआ महसूस कर रहा है और अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है, तो आमजन कैसे सुरक्षित रह सकता है? जिस तरीके की घटना विगत 5 दिनों के अंदर ये दूसरी बार घटना घटी है, ये राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायिका अमृता मेघवाल के ऊपर जिस तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों ने अभद्रता करना और मारपीट करना, और दूसरी तरफ भरतपुर की सांसद महोदया के ऊपर रात को 12 बजे फायरिंग करना, उसके बाद में 2 जिंदा कारतूस छोड़ना, धमकी भरा पत्र लिखना और एक तरीके से उनको भयभीत करने का कारनामा, राजस्थान की सरकार अगर अभी भी गंभीर नहीं है तो मेरे ख्याल से आने वाले समय के अंदर एक विकराल स्थिति राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि जो भी गुनहगार है, जो भी दोषी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और राजस्थान की सरकार एक नजीर पेश करे, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हो इस तरीके की घटना को अंजाम देने की।